सुमेरपुर क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद शुरू करने के साथ ही एक पखवाड़े में 112 किसानों से 1,30,43,000 रुपए की जींस की खरीद की गई है। वहीं बायोमेट्रिक की अनिवार्यता होने से कई किसान इस योजना से वंचित रह सकते हैं। राज्य सरकार ने राजफेड की ओर से सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से महाराजा उमेश सिंह कृषि उपज मंडी में खरीद शुरू की है। खरीद केंद्र प्रभारी करण सिंह राठौड़ ने बताया कि पंजीकृत किसानों को सुविधा के अनुसार फोन पर संपर्क कर बुलाया जा रहा है, जिससे मंडी में सामाजिक दूरी की पालना हो सके। वर्तमान में खरीद केंद्र पर 124 किसानों की सूची तैयार है। माल तुलाई के बाद बिल बनने के 2-3 दिन में संबंधित किसानों के खाते में राशि जमा हो जाती है। हालांकि बायोमेट्रिक की अनिवार्यता में किसानों को फसल बेचने में दिक्कत आ रही है। समर्थन मूल्य जो खरीद केंद्र हैं सरसों चना गेहूं सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति, यहाँ पर 1 मई से खरीद शुरू हो गई है। इसमें जितने भी रजिस्ट्रेशन किसान अपनी गिरदावरी ला के करवा रहे हैं, उन रजिस्ट्रेशन के अनुसार लिस्टें यहाँ हमारे केंद्र पर आ रही है। फिर हम लिस्टों के अनुसार किसानों को यहाँ पर खरीदने के लिए बुला रहे हैं। अभी तक यहाँ पे लगभग 70 किसानों ने चना बेचा है और 43 किसानों ने सरसों बेची है, यानी कि 112 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। 1,30,43,512 की फसल यहाँ पे खरीद की गई है समर्थन मूल्य में सुमेरपुर केंद्र पे, और 1732 क्विंटल लगभग चना और 1039 क्विंटल सरसों खरीद हो चुकी है। अभी आगे 125